नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1 जून को 7वें चरण में चुनाव है और इसके पहले प्रत्याशियों के नुक्कड़ सभाएं करके जनता को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जहां एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन चुनाव प्रचार में लगे हैं, वही सपा उम्मीदवार काजल निषाद भी चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में बीजेपी सांसद रवि किशन ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाएं करके लोगों को अपने पक्ष में वोट करने के लिए अलग तरीके से रिझाते नजर आए हैं। तो चलिए आपको सांसद रवि किशन के इस तरीके से रूबरू कराते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1 जून को 7वें चरण में चुनाव है और इससे पहले प्रत्याशियों ने नुक्कड़ सभाएं करके जनता को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जहां एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन चुनाव प्रचार में लगे हैं, वहीं सपा उम्मीदवार काजल निषाद भी चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में बीजेपी सांसद रवि किशन ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाएं करके लोगों को अपने पक्ष में वोट करने के लिए रिझा रहे हैं। उन्होंने गांव में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी योगी के सम्मान का लाज रखना है। मंदिर की सीट मंदिर में जानी चाहिए और सम्मान के साथ जानी चाहिए। चारों बूथ जीते और ऐतिहासिक मतों से वोट इतना गिरे कि सब बम बम हो जाए। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने पिपराइच कस्बे के नारायणपुर, बनगाई, जंगल अयोध्या, खुटहन, असरखपुर, बुढ़ाही, सराय गुलरिया, जंगल छत्रधारी, हरसेवकपुर नंबर 2, नबीपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वो और विधायक जी चारों बूथ पे 1 जून को खड़े रहेंगे। महाराज जी सब बूथ अध्यक्ष को बुलाकर पिछली बार की तरह सम्मान दे। 1 जून को ऋण चुकाने का दिन है। पीएम मोदी, सीएम योगी का ऋण चुकाना है। भोजपुरिया समाज से भी वो आह्वान करते हैं कि जिनकी लड़ाई वो 20 साल से उठा रहे हैं, 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को डालने के लिए बिल डाले हैं। उन्होंने कहा कि हम वही रवि किशन हैं, अपने भोजपुरिया समाज के लिए वो यहाँ पे आए हैं। जो भोजपुरिया बोलता है उसकी कोई बिरादरी नहीं है, उनकी एक ही बिरादरी है, भोजपुरी बिरादरी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 14,000 करोड़ और सीएम योगी ने 900 करोड़ दिया है। आज गांव देहात में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सड़क और 12 करोड़ लोगों को मकान मिल गया है, शौचालय बन गया है, गांव के लोगों का जीवन बदल गया है, एम्स बना दिए, जाओ और मुफ्त में इलाज कराओ, जन औषधि पे 90% रास्ते में दवा मिल रही है, जन धन योजना के तहत 50 करोड़ लोगों का खाता खोल दिया। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा की तारीफ करते हुए कहा कि आज बेटी पैदा होने से लेकर विवाह तक का खर्च भाजपा दे रही है। समय बदल गया है, बेटियों को पढ़ाइए, बिटिया को ताकतवर बनाइए। इसे राम राज्य कहा जाता है। जहां पे एक वोट दी तो प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया और 4 जून के बाद वो व्यवस्था भी करेंगे कि सभी लोग रामलला के दर्शन कर ले। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।